शुरुआत कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के चौथे लेक्चर का, और हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी का प्रकार देख लिए थे, इम्यूनिटी सिस्टम का भी प्रकार देख लिए थे, इम्यूनिटी सिस्टम किन किन घटकों से मिलकर बना होता है उसके बारे में भी बात कर चुके थे। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें है सबसे पहले वैक्सीनेशन, टीकाकरण, उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज जिसको हम लोग स्वप्रतिरक्षा रोग भी बोलते हैं, और उसके साथ ही पढ़ेंगे एलर्जी। यदि समय बच गया तो हम लोग टॉपिक शुरुआत करेंगे किसका, कैंसर का। क्लियर है? कैंसर के बाद और डिसीज है, एड्स है, मलेरिया है, अमीबियासिस है, ये तीन बड़े बड़े डिसीज है, उनका अध्ययन करना है। उसके बाद छोटा छोटा पार्ट हमें जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, इन सभी के बारे में शुरुआत करेंगे, और लास्ट में हमारा ड्रग्स एंड एल्कोहल वाला टॉपिक के साथ चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले किसका, टॉपिक हमारा है, लिखो वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, या इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, टीकाकरण। क्या बोलते हैं? टीकाकरण। वैक्सीनेशन या टीकाकरण क्या होता है, चलो भाई बताओ, वैक्सीनेशन या टीकाकरण क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, रोग कारक को या एंटीजन को, ध्यान से समझना, वैक्सीनेशन या टीकाकरण क्या होता है, ध्यान से सुनना, शरीर में रोग कारक को, शरीर में रोग कारक को, रोग कारक या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन, एंटीजन को कृत्रिम तरीके से क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, कृत्रिम तरीका से क्या कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। क्लियर है कि नहीं? जिसके कारण हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो क्या कर सके, इम्यूनोग्लोबिन का निर्माण कर सके। समझ आया कि नहीं? तो ध्यान से समझना, टीकाकरण क्या है करके कभी भी क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना, शरीर में रोग जनकों को या एंटीजन को कृत्रिम तरीके से प्रवेश कराने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, टीकाकरण बोलते हैं। ठीक है ना, किसको टीकाकरण बोलेंगे, शरीर में रोग कारक या एंटीजन को कृत्रिम तरीके से क्या करवाना, प्रवेश कराना। अब दूसरा एक परिभाषा आता है, वैक्सीन किसे कहते हैं, वैक्सीन किसे कहते हैं, ठीक है, तो वैक्सीन किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना, मंदित एंटीजन, मंदित एंटीजन मतलब ऐसा रोग कारक जो कि बहुत ही धीमे विधि से क्या करता हो, रोग उत्पन्न करता हो। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी जो रोग कारक है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कर दिए, छीन कर दिए, उसको दुर्बल कर दिए, छीन कर दिए या दुर्बल कर दिए, लेकिन उसका जो पैथोजेनिसिटी है, रोग उत्पन्न करने का जो क्षमता है वो अभी भी उपस्थित है, रोग उत्पन्न करने का जो क्षमता है, करने का जो क्षमता है वो अभी भी क्या है, उसमें उपस्थित है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीन। क्या बोलते हैं? वैक्सीन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं? ठीक है, ध्यान से समझना, किसी भी ध्यान देना, एंटीजन जो कि क्या है, छीन है या दुर्बल है या मंदित रूप से क्या करता है, क्रियाविधि करता है, उसको यदि हम लोग शरीर के अंदर क्या कराते हैं, कृत्रिम तरीके से प्रवेश कराते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडी का, जिसके कारण जो परपोषी होता है या होस्ट होता है उसके शरीर में किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडी का। तो जिस पदार्थ को हम लोग डाले हैं, ये जो मंदित एंटीजन है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीन। क्या बोलते हैं? वैक्सीन। यहाँ तक क्लियर है? और वैक्सीन क्या कर दिया, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवा दिया सामने वाले के शरीर में, इसके कारण वो जो जीव है वो उस रोग के प्रति क्या हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोग प्रतिरोधक। यहाँ तक क्लियर है? यानी उस रोग के कारक के प्रति उसके अंदर क्या आ जाता है, इम्यूनिटी आ जाता है। क्या आ जाता है? इम्यूनिटी। यहाँ तक क्लियर है? ये समझ आया कि नहीं? वैक्सीन क्या होता है, बूस्टर डोज किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका, बूस्टर डोज, ध्यान से देखना, कई बार क्या होता है, ध्यान देना, एक बार रोग कारक को हम लोग प्रवेश कराए, एक बार रोग कारक को प्रवेश कराए तो शरीर के अंदर इम्यूनिटी विकसित हुआ, लेकिन वो अच्छे तरीके से विकसित नहीं हुआ, तो उसी रोग कारक को पुनः, ठीक है ना, उसी रोग कारक को हम लोग पुनः शरीर के अंदर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, मतलब वही जो टीका है उसको दो बार से यदि अधिक, तीसरा बार, चौथा बार ऐसा लगाया जाए बार बार करके उसी ही टीका को, तो उस जो डोज को हम लोग क्या बोलते हैं, बूस्टर डोज। क्या बोलते हैं? बूस्टर डोज। समझ आया कि नहीं? बूस्टर डोज किसे कहते हैं? क्लियर है? किसी भी जो रोग कारक है उसके विरुद्ध पूरी तरीके से प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए, किसी भी रोग कारक के विरुद्ध पूरी तरीके से प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में जब टीके को दो या दो से अधिक बार क्या कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, तो वो जो डोज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूस्टर डोज। क्या बोलते हैं? बूस्टर डोज। और टीकाकरण का जो जनक है, ठीक है,
पितामह है वो किसको बोला जाता है? एडवर्ड जेनर को। उसको बोला जाता है एडवर्ड जेनर, ठीक है ना, जनक या पितामह, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इसको बोला जाता है एडवर्ड जेनर को। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एडवर्ड जेनर को यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखते हैं टीकाकरण के प्रकार, क्या पढ़ेंगे? टीकाकरण के प्रकार, टीकाकरण के प्रकार नहीं, टीका का प्रकार, वैक्सीन का प्रकार, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। चल, टाइप्स ऑफ वैक्सीन हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। सबसे पहला होता है एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं छिन्न जीवित टीका, छिन्न जीवित टीका, ठीक है ना, एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। जब कोई रोग कारक है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ध्यान देना, कोई भी जो रोग कारक है उसका जो रोग उत्पन्न करने का जो क्षमता है उसको हम लोग क्या कर दें, कम कर दें, ठीक है ना, यानी कि कमजोर कर दें उस जीवाणु या विषाणु को, जीवाणु या विषाणु का जो पैथोजेनिसिटी है, रोग उत्पन्न करने का जो क्षमता है उसको क्या कर दें, कम कर दें। और उसको शरीर के अंदर जीवित है वो जीव, लेकिन उसका रोग उत्पन्न करने का क्षमता क्या, हल्का सा कम कर दे, उसको यदि हम लोग शरीर के अंदर क्या कराते हैं, प्रवेश कराते हैं, तो ऐसा जो वैक्सीन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीन्यूएटेड वैक्सीन। क्या बोलते हैं? एटीन्यूएटेड वैक्सीन, यानी कि छीन कर दिए उसके ताकत को, क्या कर दिए, कम कर दिए। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे टीका को हम लोग क्या बोलते हैं, छीन जीवित टीका। क्या बोलते हैं? छीन जीवित टीका। एग्जाम्पल में याद रखना कौन कौन सा टीका है छीन जीवित टीका। सबसे पहला है बीसीजी, फुल फॉर्म आता है बैसिलस कालमेटी गुएरिन, गुएरिन, बैसिलस कालमेटी गुएरिन। बीसीजी का टीका दिया जाता है किसके लिए, टीबी के लिए। दूसरा टीका है ओपीवी, 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 ओरल पोलियो वैक्सीन। बीच में क्या हुआ था, ध्यान देना, पोलियो, जैसे कि भारत को अभी पोलियो मुक्त माना जाता है, यहाँ पोलियो का एक भी केस नहीं है, ठीक है ना। जब पोलियो का, ध्यान समझना, टीकाकरण चल रहा था, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाया जाता है, दो बूंद की जिंदगी की करके चलता था ना अभियान, सब लोग पोलियो वैक्सीन पिए होंगे, तो कई लोगों को क्या हो गया, जैसे ही वैक्सीन पिलाया पोलियो हो गया। तो असल में हुआ क्या रहा होगा, वो जो वैक्सीन था उसमें जो रोग कारक था, यानी कि पोलियो का जो वायरस था, वो उतना ज़्यादा प्रबल, यानी कि उसको अच्छे तरीके से मारे नहीं थे, ऐसा वाला कहानी भी था, एक दो केस ऐसा आया था, ऐसा बोला जाता है, क्लियर है। तो ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है, आपका पोलियो रोग के लिए। कौन से रोग के लिए? पोलियो रोग के लिए, क्लियर है। जो कि एक प्रकार का कैसा टीका है, छिन्न जीवित टीका है। क्या है? छिन्न जीवित टीका, मतलब ये जो रोग कारक है, जो पोलियो फैलाता है, उस रोग कारक को मारे नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन उसका जो रोग उत्पन्न करने का क्षमता है वो क्या, थोड़ा सा कम है। यहाँ तक क्लियर है। और कौन सा? एमएमआर का टीका, एक टीका ये हो गया, दूसरा टीका, तीसरा टीका देखो, एमएमआर, मीजल्स मम्स रूबेला, मीजल्स मम्स और रूबेला, रूबेला, तीन रोग के लिए दिया जाता है। एक मीजल्स रोग, खसरा रोग बोलते हैं जिसको, मम्स करना फिर ऐसे यहाँ पास फूल जाता है, और एक होता है क्या, रूबेला। तीन रोग के लिए दिया जाता है मीजल्स मम्स रूबेला एमएमआर टीका। कौन सा टीका? एमएमआर का टीका, पॉलीवेलेंट वैक्सीन है ये। क्या है? पॉलीवेलेंट वैक्सीन, मतलब तीन रोग के लिए एक ही टीका। समझ आया? ओपीवी मोनोवेलेंट टीका है, केवल और केवल किसके लिए काम करेगा, पोलियो के लिए। बीसीजी भी क्या है तुम्हारा, मोनोवेलेंट वैक्सीन है, केवल और केवल किसके लिए काम करेगा, टीबी के लिए, क्लियर है। लेकिन ये कैसा पॉलीवेलेंट है, कैसा वैक्सीन है, पॉलीवेलेंट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो पहला जो वैक्सीन हो गया वो कौन सा है, छिन्न जीवित टीका, क्लियर है। जिसमें कितना उदाहरण दे दिया, तीन, बीसीजी ओपीवी और एमएमआर। ये जो टीका रहता है इसी को बोला जाता है प्रथम पीढ़ी का टीका। क्या बोला जाता है? प्रथम पीढ़ी का टीका, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, मतलब सबसे पहले जब वैक्सीन बना ना तो इसी वैक्सीन को बनाया गया था,
इस प्रकार का वैक्सीन, यानी कि रोग कारक को क्या कर दो, बंधित कर दो, छीन कर दो, कमजोर कर दो, ऐसा वाला कहानी था। नेक्स्ट देखो, दूसरा कहता है आपका किरीडा वैक्सीन, मतलब इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, ध्यान दो, दूसरा है हमारा क्या, किरीडा वैक्सीन, मतलब जो रोग कारक है, रोग कारक को हम लोग क्या कर दिए, नष्ट कर दिए, रोग कारक को क्या कर दिए हैं, नष्ट, लेकिन उसका जो गुण है, रोग कारक का जो गुण है वो क्या है, उसमें उपस्थित है, रोग कारक का जो गुण है वो क्या है, उसमें उपस्थित है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे इसके लिए हम लोग किसका टीका बनाए थे, हैजा, हैजा का टीका, ठीक है ना, हैजा का टीका कैसा था, किल्डा वैक्सीन था, क्या था, किल्डा वैक्सीन था। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या है, किल्डा वैक्सीन। ध्यान से देखो, पहला वाला जो टीका है, ध्यान देना, पहला वाला जो टीका है जो रोग कारक है उसको मारे नहीं है, उसको क्या कर दिए, कमजोर कर दिए, कमजोर करने के बाद उसका टीका बनाया, उसको शरीर के अंदर प्रवेश कराया है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा टीका बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसको किल्डा वैक्सीन बोल रहा हूँ, उसमें रोग कारक को मार रहे हैं लेकिन उसका रोग उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हुआ है क्या, नहीं, ठीक है, तो वो भी रोग उत्पन्न कर सकता है, तो उसके लिए कौन सा टीका बनाया गया, हैजा का टीका। कि कौन सा टीका बनाया इस विधि द्वारा, हैजा का टीका को। हैजा किससे फैलता है, विब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया से, किससे, विब्रियो कॉलरा, विब्रियो कॉलरा से, ठीक है, तो ऐसा। और ये जो दोनों टीका था, कौन कौन सा टीका, छिन जीवित और दूसरा मारक टीका, ये दोनों को क्या बोला जाता है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रकार का टीका, टॉक्साइड वैक्सीन, विषाक्त टीका, टॉक्साइड वैक्सीन, ये इसी क्या बोलते हैं। चलो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तीसरा टॉक्साइड वैक्सीन, इसमें जो रोग कारक रहता है ना, रोग कारक जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उस टॉक्सिन से हम लोग निर्माण करते हैं किसका, वैक्सीन का, किसका निर्माण करते हैं, वैक्सीन का। देखो, पहले वाले में पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म का उपयोग कर रहे थे, या तो उसको वीक कर रहे थे, या तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे, मार रहे थे, लेकिन टॉक्सिसिटी उसका था, तो फर्स्ट जनरेशन का वैक्सीन था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस रोग कारक को नहीं ले रहे हैं, वो जो रोग कारक है, ठीक है, वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस टॉक्सिन से हम लोग किसका निर्माण करते हैं, वैक्सीन का। तो ये जो वैक्सीन है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टॉक्साइड वैक्सीन, क्या बोलते हैं, टॉक्साइड वैक्सीन, क्लियर है ना। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल याद रखना, डीपीटी का टीका आता है, डीपीटी फुल फॉर्म आता है, ये भी एक पॉलीवेलेंट वैक्सीन है, तीन रोग के लिए कॉमन है, डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया पर्टुसिस, पर्टुसिस और क्या है, टिटनस, तीन रोगों के लिए लगता है एक साथ, डिफ्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, डीपीटी, डीपीटी, डिफ्थीरिया पर्टुसिस और टिटनस। यहां तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखिए, क्या कितना प्रकार का वैक्सीन पढ़ लिया अभी तक, तीन। सबसे पहला कौन सा वैक्सीन था, एटेन्यूएटेड वैक्सीन, दूसरा कौन सा था, किल्ड वैक्सीन, तीसरा क्या हो गया, टॉक्साइड वैक्सीन, चौथा देखते हैं, ठीक है ना। टीके के रूप में एंटीबॉडी, टीके के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं, मान लो हम लोग एंटीबॉडी का, टीके के रूप में एंटीबॉडी का, ध्यान से देखो क्या हुआ, मेरे को ध्यान से समझ लेना, मेरे को कोई ऐसा रोग हुआ, ध्यान देना, ठीक है, जिसका इन्फेक्शन मेरे को कभी हुआ नहीं था, ऐसा समझना कि मेरे को टिटनस रोग हुआ, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी के कारण, ठीक है। क्लास्ट्रिडियम टिटेनी क्या रहता है, एक बैक्टीरिया रहेगा, उसके कारण कौन सा रोग होता है, टिटनस रोग होता है, उसमें बॉडी क्या हो जाता है, ऐसे धनुष के जैसे क्या हो जाता है, झुक जाता है, टिटनस, धनुष टंकार रोग बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ऐठन उत्पन्न होता है हड्डियों में, मसल्स में, ठीक है, टिटनस रोग में, असल में वो क्या, ध्यान देना, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी के नाम से होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना ना, अब टिटनस के प्रति मैं रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करूँ, इतना मेरे पास टाइम तो है नहीं, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, बने बुनाए जो एंटीबॉडी रहेगा उसको, जो रोगी है, यानी कि मैं मान लो रोगी हूँ, तो मेरे अंदर क्या कराया जाएगा, प्रवेश कराया जाएगा, तो जो प्रवेश करा रहा हूँ ना दवाई, वो क्या रहेगा, मेरे टिटनस रोग हुआ है, तो कैसा दवाई रहेगा, एंटी टिटनस रहेगा, क्या रहेगा, एंटी टिटनस, और उसका नाम रहेगा एंटी टिटनस सीरम, क्या बोलेंगे, एंटी टिटनस सीरम, एंटी टिटनस सीरम, ये सीरम वर्ड है, ये सीरम होता क्या है, ध्यान से देखो, ब्लड जो रहता है ना, ब्लड
उसमें ध्यान से समझना, उसमें होता है ब्लड कार्पसल्स, रक्त का निकाय, जिसके अंतर्गत आ जाता है क्या आपका आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स आता है, समझ रहे हो ना, ठीक है, ये सब आ जाता है। और एक होता है आपका क्या प्लाज्मा, क्या होता है प्लाज्मा। मान लो मैं ध्यान समझना, ब्लड में से, ठीक है ना, होल ब्लड में से इस आरबीसी को हटा दूं, पूरे ब्लड में से किसको हटा दूं आरबीसी को, तो ये जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी भी रहता है, प्लेटलेट्स भी रहता है, क्लियर है कि नहीं। चूंकि प्लाज्मा में खुद क्या रहता है इम्यूनोग्लोबिन रहता है, तुम लोगों को बताया था। लिम्फोसाइट किसमें डिवाइड होता है, दो भागों में, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। तो प्लाज्मा सेल में इम्यूनोग्लोबिन रहता है, मान लो इसमें से प्लाज्मा में से मैं रक्त का थक्का करने वाले प्लेटलेट्स को हटा दूं, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज रहता है प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, क्या रहता है फाइब्रिनोजन, इसको भी हटा दूं, तो ये जो जितना पार्ट बचा डब्ल्यूबीसी इम्यूनोग्लोबिन ये सब, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं सीरम। तो सीरम में क्या उपस्थित है, इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है। तो हम लोग मान लो ध्यान से समझना, सीरम कैसे प्राप्त करते हैं, एंटी सीरा कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे घोड़ा है, ठीक है ना, उस घोड़े में मेरे को क्या करना है, टिटनेस का वैक्सीन बनवाना है, सीरम बनवाना है, तो उस घोड़े को क्या करूंगा, जो टिटनेस का रोग का रखे ना उसको हल्का हल्का मात्रा देते रहूंगा, हल्का हल्का मात्रा देते रहूंगा, तो उसके बॉडी में क्या बनते रहेगा, उसके लिए इम्यूनोग्लोबिन बनते रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो घोड़ा रहेगा पूरी तरीके से उस रोग के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिरोधक हो जाएगा। अब उसके बॉडी से मैं क्या निकाल लूंगा, ब्लड को निकाल लूंगा, और ब्लड में से रक्त का थक्का जमाने वाले कारक को भी बाहर कर लेंगे। रक्त का थक्का जमाने वाले कारक को यदि बाहर कर लिए तो जो हमारा ब्लड बचा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सीरम। और इसी का उपयोग हम लोग किस लिए कर सकते हैं, तुम्हारा वैक्सीन के रूप में, क्लियर है कि नहीं। तो टीके के रूप में एंटीबॉडी का उपयोग कर रहे हैं, और ये इसका उदाहरण क्या है, एटीएस, एंटी टिटनस सीरम। क्या है, एंटी टिटनस सीरम। वैसे एंटी वेनम का भी उपयोग कर सकते हैं हम लोग, एंटी वेनम देते हैं, सांप काट देता है, तुम लोग बताओ कि तुमको सांप से कटवाया गया है क्या टीका के रूप में, नहीं ना, उसके लिए एंटी वेनम यूज होता है डायरेक्ट, समझ आ रहा है। तो ये एक प्रकार का टीके के रूप में क्या देते हैं, एंटीबॉडी। तो ये वाला जो वैक्सीन है ये है सेकेंड जनरेशन का वैक्सीन। क्या है, सेकेंड जनरेशन का वैक्सीन, ठीक है, क्या है, सेकेंड जनरेशन का वैक्सीन, ठीक है। विष पुरुष विष स्त्री नहीं, हाँ, क्या भेड़िया, अच्छा भेड़िया मूवी याद आ रहा है, विषाणु, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। ये हो गया ना एंटी टिटनस सीरम, वैसे एआरएस देते हैं ना, ओआरएस नहीं, एआरएस, एंटी रेबीज सीरम, एंटी रेबीज सीरम, एआरएस। एटीएस हो गया एंटी टिटनस सीरम, फुल फॉर्म आता है एआरएस, एंटी रेबीज सीरम, एंटी रेबीज सीरम, याद रखना ना। एंटी सीरा क्या होता है, जान डाले ना, कोई भी रोग कारक को धीरे धीरे शरीर के अंदर क्या कराएंगे, प्रवेश, और उसके खिलाफ क्या बन जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडी बन जाएगा, उस फिर ब्लड को निकालेंगे, ब्लड में से रक्त का थक्का जमाने वाले कारक को निकाल देंगे, तो वो जो बचता है उसको बोलते हैं एंटी सीरम। क्या बोलते हैं, एंटी सीरम। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। मान लो तुम्हारा ध्यान समझना ना, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होता है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा यदि हमारा किसका विकास किया जाए, वैक्सीन का, ठीक है ना, इसके अंतर्गत किसका वैक्सीन का विकास किया गया है, एचबीवी, हिपेटाइटिस बी वायरस का, हिपेटाइटिस, हिपेटिक मतलब क्या होता है, लीवर, हिपेटाइटिस लीवर में क्या आ जाता है, सूजन, ठीक है ना, हिपेटाइटिस बी वायरस एक प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो रहता है ना, ध्यान समझना, उसका जो टीका बनाया गया है वो क्या रहता है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा बना। अब ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होता है पढ़ेंगे, जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब। असल में क्या होता है, एक जीव का जो तुम्हारा क्या रहेगा, डीएनए रहता है, उसमें दूसरे जीव के डीएनए को ऐसे क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, फिर उसको दूसरे शरीर के अंदर क्या कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, फिर ये क्या करता है, यहाँ पास बहुत सारे एंटीबॉडी का क्या करने लग जाएगा, फॉर्मेशन करने लग जाता है। इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे जब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब। बस इतना जान लो कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा भी क्या बनाते हैं, टीका बनाया जाता है। ये भी कैसा जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन वैक्सीन है। क्या है, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, क्या है, सेकंड जनरेशन का वैक्सीन। यहां तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तीसरा है, ठीक है, संश्लेषित प्रकृति का टीका,
संश्लेषित प्रकृति का टीका, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन। क्या बोलते हैं? थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है ना, जिसका डायरेक्ट क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है लैब में, ठीक है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन, इसके अंतर्गत भी टीका बनता है एचबीवी का ही, हेपेटाइटिस बी वायरस का ही बनता है ना। सेकंड पीढ़ी भी इसका उदाहरण है, इसके टीका का, और थर्ड जनरेशन का भी वैक्सीन का ये उदाहरण है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो कितना टाइप का वैक्सीन पढ़ लिया आप लोग अभी तक? पांच। सबसे पहला वैक्सीन जो था कौन सा वैक्सीन था? एटीन्यूएटेड। दूसरा कौन सा वैक्सीन था? किल्ड। उसके बाद कौन सा पढ़े? टॉक्साइड। उसके बाद क्या पढ़े? एंटीबॉडी के रूप में टीका। उसके बाद क्या पढ़े? डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा। और लास्ट क्या पढ़ लिया? संश्लेषित प्रकृति का टीका। इतना प्रकार का टीका रहता है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो टीका है, ठीक है ना, इसका एक हम लोग थोड़ा सा ये देखो एक चार्ट बना लेते हैं ताकि हम लोग को आसानी से ये क्या हो जाए, याद हो जाए। देखो वैक्सीनेशन जो रहता है लिम्फोसाइट के आधार पर काम करता है। बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट से ही क्या बनता है? हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। यानी कि वैक्सीनेशन होगा तभी तो हमारे बॉडी में किसका निर्माण होगा? इम्यूनोग्लोबिन का, जो कि क्या रहता है? मेमोरी बेस्ड रहता है। क्या रहता है? मेमोरी बेस्ड। एक बार टीकाकरण हो गया, हमारे शरीर में एंटीजन को प्रवेश करवा लिए, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो देखो इसको कितने जनरेशन में डिवाइड किया है? तीन जनरेशन। एक होता है आपका फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन में पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को जो रोग कारक रहता है पूरा का पूरा रोग कारक को यूज करते हैं। दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो उसको मार करके मारक टीका बनाते हैं किल्ड वैक्सीन, और एक होता है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो कि कमजोर करके बनाते हैं, वीक करके बनाते हैं। एग्जांपल ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन, स्मॉल पैक्स का वैक्सीन, डीपीटी का वैक्सीन, अभी पढ़ाया था ना, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। उसके बाद देखो सेकेंड जनरेशन का जो वैक्सीन रहता है उसको सब यूनिट वैक्सीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब यूनिट वैक्सीन। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, टॉक्साइड, क्या है? टॉक्साइड, सॉरी डीपीटी इसमें आ जाएगा, टॉक्साइड इनएक्टिव जो रहता है टॉक्सिन रहता है उसको प्रवेश कराते हैं। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी का पढ़ लिए थे। उसके बाद थर्ड जनरेशन डीएनए वैक्सीन भी बोलते थे इसको, क्या बोलते हैं? डीएनए वैक्सीन, संश्लेषित प्रकृति का रहता है और ये भी कौन सा? हेपेटाइटिस बी का। तो हेपेटाइटिस बी रिकॉम्बिनेंट और डीएनए वैक्सीन भी तुम्हारा हेपेटाइटिस बी ही है। क्लियर है? हेपेटाइटिस बी को भूलना नहीं, सेकेंड जनरेशन में भी काउंट होता है और थर्ड जनरेशन वैक्सीन में भी काउंट होता है, क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? उसके बाद हम लोग एंटी सीरम क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल पढ़ चुके हैं। क्लियर है? एंटी सीरम ड्रग्स के बारे में भी डिटेल पढ़ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आप स्व प्रतिरक्षा रोग किसे कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज ध्यान से देखना, स्व प्रतिरक्षा रोग, स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यून डिसीज दो नंबर का आएगा। इससे ज्यादा हम लोग को ज्यादा डिटेल भी जानने की जरूरत नहीं है, तो दो नंबर का ही रखेंगे, ठीक है। जब हमारा, मैं तुम लोग को बोल रहा था कि जब प्रतिरक्षा तंत्र का गुण पढ़ा रहा था उपार्जित प्रतिरक्षा का, तो मैं तुम लोग को बताया था मेमोरी बेस्ड होता है, डिफरेंशिएशन कर सकता है अपने और पराए में, क्या करता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भेद कर सकता है कि कौन सा अपना कोशिका और कौन सा पराया कोशिका। यदि 10,000 डाल्टन से अधिक भार का, ठीक है, क्या आ जाए तुम्हारा, कोई भी एंटीजन आ जाए, बाहरी पदार्थ आ जाए, तो उसको नष्ट करने के लिए वो किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का। किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का। जब हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, जब हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अपने एवं पराये कोशिका में, अपने एवं पराये यानी कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ कोशिका में विभेद नहीं कर पाता, मतलब कौन सा अपना कोशिका और कौन सा पराया कोशिका है इसमें विभेद नहीं कर पाता, और खुद की कोशिकाओं को व स्वयं की कोशिकाओं को, यानी हमारे शरीर में उपस्थित जो कोशिका है उसी को पराया कोशिका समझकर, एंटीजन समझकर, व स्वयं की कोशिका को एंटीजन समझकर क्या करने लग जाता है? नष्ट करने लग जाता है। तो जो रोग होता है, इससे जो रोग होता है उस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्व प्रतिरक्षा रोग। क्या बोलते हैं? स्व प्रतिरक्षा रोग। क्या बोल देते हैं? स्व प्रतिरक्षा रोग। समझ आया कि नहीं? जब हमारे शरीर का जो कोशिका रहता है, ठीक है, हमारे जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र का कोशिका है,
वह अपने और पराये कोशिका में भेद नहीं कर पाता और अपने स्वयं का जो कोशिका है उसको क्या समझने लग जाता है, पराया है, यानी कि बाहर का कोशिका है ऐसा समझने लग जाता है, तो उसको क्या करने लग जाएगा, नष्ट करने लग जाता है। और ये जो रोग होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्वप्रतिरक्षा रोग। क्या बोलते हैं, स्वप्रतिरक्षा रोग। क्लियर है कि नहीं। बहुत सारा स्वप्रतिरक्षा रोग होता है, उसमें से 2 से 3 स्वप्रतिरक्षा रोग का तुम लोगों को क्या रखना है, नाम याद रखना है कैसे कैसे होता है। सबसे पहला एक रोग है मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, हमारे शरीर का जो पेशी रहता है, पेशियां स्वयं नष्ट होने लगती है। हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र रहता है ना, हमारे शरीर की पेशियों को एंटीजन समझने लगता है और उसको क्या करने लगता है, नष्ट करने लगता है। इसको बोलते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस। क्या बोलते हैं, मायस्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर है एक प्रकार का। एक और रोग है तुम्हारा हाशिमोटो डिसीज। थायराइड की आत्महत्या बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, थायराइड की आत्महत्या। यानी जो हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि रहता है ना, उसको बाहर का कोशिका है समझ करके थायराइड ग्रंथि को क्या करने लग जाता है, नष्ट, ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है, स्वप्रतिरक्षा रोग है, भूलना नहीं। और कौन सा रोग है तुम्हारा, ठीक है, क्रोनिक एनीमिया। आरबीसी जब हमारे शरीर का खुद नष्ट होने लग जाए, आरबीसी स्वयं नष्ट होने लग जाता है। तीन रोग हो गया, तीनों बहुत ज्यादा क्या है, एमपी है। एक फुल फॉर्म आ सकता है आईडीडीएम, स्वप्रतिरक्षा रोग में ही शामिल किया गया है आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोला हूं मैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। एक और रोग होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस। ये भी आपका क्या है, तुम्हारा स्वप्रतिरक्षा रोग। क्लियर है, समझ आया। पूरा एनसीईआरटी में जितना भी स्वप्रतिरक्षा रोग है 11वीं 12वीं में लाकर के पूरा लिख दिया हूं एक जगह में, ठीक है, इससे बाहर नहीं रहेगा। यहां तक क्लियर है ना, मायस्थेनिया ग्रेविस, हाशिमोटो डिसीज, क्रोनिक एनीमिया, आईडीडीएम, रूमेटाइड अर्थराइटिस, क्लियर है। और क्रोनिक हेपेटाइटिस भी है, लंबे काल तक जो चलता है ना हेपेटाइटिस, लीवर में सूजन, हेपेटाइटिस, वो भी क्या है, एक प्रकार का स्वप्रतिरक्षा रोग है, इसके बाहर का कुछ नहीं। क्लियर है, लिख लिए, आगे बढ़ जाएं क्या। इसके बाद एंटीबॉडी और इंटरफेरॉन में क्या अंतर है, बता डालोगे क्या। एंटीबॉडी जो रहता है, ध्यान समझना, एंटीबॉडी जो रहता है संक्रमण के पश्चात उत्पन्न होता है, इंटरफेरॉन जो रहता है संक्रमित कोशिका द्वारा सामने वाले के बचाव के लिए उत्पन्न किया जाता है। एंटीबॉडी वायरस से भी बचाव कर सकता है, बैक्टीरिया से भी बचाव कर सकता है, समझ रहे ना, प्रोटोजोआ से भी बचाव कर सकता है, लेकिन इंटरफेरॉन केवल और केवल किससे बचाव करेगा, वायरस से बचाव करता है, किससे करता है, वायरस से। अंतर दिया हुआ है नोट्स में, कर लेना, इंटरफेरॉन और एंटीबॉडी में अंतर लिख ले रहा हूं, इंटरफेरॉन और एंटीबॉडी में अंतर। चलो हो गया, आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एलर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एलर्जी। ध्यान समझ, असल में क्या होता है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, एलर्जी, ठीक है, ध्यान दो इधर। किसके बारे में पढ़ेंगे आप, एलर्जी। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित जो अनुक्रिया होती है उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, एलर्जी। अतिरंजित अनुक्रिया यानी कि क्या है, कैसे बोलना चाहिए तुमको, एक्सेसिव रूप में क्या करना, हाइपर रिस्पॉन्स करना। क्या करना, हाइपर रिस्पॉन्स। जैसे कि एक उदाहरण समझो, मैं हर साल ये उदाहरण देता हूँ, ध्यान समझना, तुम कोई जिले के एसपी हो, तुम्हारा जो बेटा है, ध्यान समझना, तुम कोई जिले के एसपी हो, अब तुम्हारा जो बेटा है वो फुटबॉल खेलने जाता है, अब तुम्हारे बेटे का फुटबॉल क्या हो गया, गुम हो गया, ग्राउंड में खेलने गया था, फुटबॉल क्या हो गया, गुम हो गया, फुटबॉल गुम हो गया, घर में आया बच्चा बोला कि फुटबॉल गुम हो गया,
नॉर्मल कैश समझेंगे हम लोग, अरे फुटबॉल घूमेंगे, नया फुटबॉल ला करके दे दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो मिनट देखेंगे, पता करेंगे, नहीं मिला नया फुटबॉल ले लो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा समझो कि अरे फुटबॉल गुम हो गया, मेरे बेटे का फुटबॉल गुम हो गया, ऐसा कैसे होगा? ठीक है, एरिया के TI को फ़ोन लगाया, TI पूरे पुलिस वालों को लगाया, पुलिस वाले ढूंढने लग गए किसको, फुटबॉल को, फुटबॉल नहीं मिल रहा है, पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया गया कि आखिर कहाँ गया फुटबॉल, ढूंढा जाए इस फुटबॉल को। ठीक है, यूपी का कहानी है, यूपी में विधायक का भैंस गुम गया था, भैंस घुमा तो पूरा आसपास के 4 से 5 जिले का पुलिस फोर्स भैंस को ढूंढने के लिए लगा दिया गया। इसको बोलते हैं तानाशाही, ऐसा चलता था मनमानी, ठीक है ना, जमाना गया वो। ठीक है, तो ध्यान दो, तो वही बोल रहा हूँ अतिरंजित अनुक्रिया। वैसे ही क्या है, हमारे शरीर में कोई एंटीजन आया, क्या आया, एंटीजन आया, उस एंटीजन को हम लोग नॉर्मली से ऐसा निपटा सकते थे, जा निकल, हो गया कहानी, 2 मिनट के लिए बुखार पकड़ा, खत्म हो गया कहानी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारा शरीर उसके लिए क्या किया, हाइपर रिस्पॉन्स किया, क्या किया, हाइपर रिस्पॉन्स, एकदम अचानक से तुमको तेज छींके आने लग गया, पूरे बॉडी में क्या आने लग गया, दाना निकलने लग गया, बहुत ज्यादा नाक बहने लग गया। और कई जब एकदम बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति आता है ना, एलर्जी नॉर्मल चीज नहीं है, जब बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति आता है तो एनाफाइलेटिक शॉक हो जाता है, यानी आदमी का तुरंत डेथ हो सकता है, सांस नली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, समझ आ रहा है, पूरा मुंह में सूजन आ जाता है, होंठ में सूजन आ जाता है, ना खा पाओगे ना सांस ले पाओगे, और आदमी का तुरंत विदिन 2 मिनट डेथ हो सकता है। इस कारण कोई भी नया चीज फट से खाने का ट्राई करना नहीं चाहिए, ऐसा भी बोला जाता है ना, ठीक है, कोई भी एरिया का। अच्छा, और ये भी बोला जाता है पोसवा टाइप का लड़का नहीं बनना है करके, ठीक है, क्योंकि तुम जितना ज्यादा इधर उधर घूमोगे, ध्यान से समझो, जितना ज्यादा इधर उधर घूमोगे, ग्राउंड में खेलोगे तुम बारिश के दिन में, एकदम से कि नहीं मैं बारिश में निकलूंगा नहीं, मेरे को एलर्जी होता है, ऐसा करके बचपन से ही सोचोगे, तुम्हारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे आएगा, समझ रहे हो, तुम धूल मिट्टी से एलर्जी खा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा ना। इस कारण क्या बोला जाता है, जो बच्चे गांव के रहते हैं ना, उनको ये एलर्जी फेलर्जी नहीं होता ज्यादा, बहुत कम चांसेस रहते हैं। लेकिन जिन लोग ऐसा पोसवा टाइप के बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनको क्या है, कुछ नहीं, ये ऐसा नॉर्मल सा ना, वो क्या बोलते हैं जी, गांव में मिंजाई चलते रहते ना, तो मिंजाई चलते रहता है, उसका धूल आता है, उससे एलर्जी हो जाता है, फली दाना से ही एलर्जी हो जाता है, समझ रहे हो ना, मूंगफली खाने से एलर्जी होता है बहुत लोगों को। ठीक है, ऐसा कॉमन नियम बना है कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति यदि वो कार चला रहा है तो उसे कार में एलर्जी वाला किट होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं, उसके ऑफिस में एलर्जी वाला किट होना चाहिए, यानी कि वहाँ मोस्ट कॉमन है, जितना भी रेस्टोरेंट है बाहर है वहाँ एलर्जी का क्या होना चाहिए, तुम्हारा किट होना चाहिए, एंटी एलर्जन होना चाहिए, जो एलर्जी से क्या करे तुमको बचाए, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज है, तो एलर्जी कैसे होता है, ध्यान समझना, हमारे शरीर में जैसे कोई मनुष्य है, ध्यान देना, कोई मनुष्य है, तो ये जो मनुष्य है इसके शरीर में एक कोशिका रहता है, इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं क्या, मास्ट सेल, क्या बोलते हैं, मास्ट सेल। ये जो मास्ट सेल है इस तरीके से ये नॉन सेंसिटाइज होता है, ठीक है, क्या होता है ये, नॉन सेंसिटाइज, ठीक है, मतलब कोई भी, ध्यान से समझना, नॉन सेंसिटाइज है, असल में हुआ क्या होगा, ध्यान से देखना, बाहर से कोई एलर्जन आया होगा जिसके कारण एलर्जी उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, एलर्जन। कई लोगों में डेंड्रफ के कारण एलर्जी आता है, ठीक है ना, कई लोगों में क्या आता है, कुत्ते वगैरह रहते हैं तो उसके साथ रहते हैं तो उसका डेंड्रफ निकलता है उसके कारण, या खुद के शरीर का डेंड्रफ, आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आता है, चुभन आता है कई लोगों का, क्लियर है ना, तो डेंड्रफ के कारण भी होता है, पराग के कारण भी एलर्जी होता है, समझ आ रहा है ना, तो एलर्जन होते हैं। तो एलर्जन जब शरीर के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, एंटीजन जब हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, तो ये मास्ट सेल है उसमें क्या लग जाता है, IgE, इम्यूनोग्लोबिन ई, कौन आ जाता है, IgE, और ये जो नॉन सेंसिटाइज है उसको क्या कर देगा, सेंसिटाइज कर देगा, क्या कर देगा, सेंसिटाइज कर देगा, सेंसिटाइज करने के कारण मास्टर सेल अब सेंसिटाइज हो गया, तो अब ये क्या रिलीज करेगा, IgE के कारण, इसके प्रभाव के कारण क्या रिलीज करेगा, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, दो केमिकल निकलेगा, कौन कौन सा, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, भूलना नहीं, सीरोटोनिन, और इसके कारण, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सूजन उत्पन्न हो सकता है, नाक बहने लग सकता है, नाक बहने लग सकता है, श्वास भी अवरोध हो सकता है, श्वासावरोध हो सकता है, क्लियर है कि नहीं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया को, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया, यानी कि छोटा सा चीज था उसके कारण क्या हो गया, हाइपर रिस्पॉन्स हुआ, अतिरंजित अभिक्रिया, ठीक है ना, किसका, प्रतिरक्षा तंत्र का, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। किसके कारण होता है ये, एलर्जन के प्रवेश के कारण, एलर्जन के प्रवेश के कारण, क्लियर है, समझ आया कि नहीं। और ये एलर्जन के रूप में डेंड्रफ भी हो सकता है, ठीक है ना,
डेंड्रफ भी हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, पोलन ग्रेन हो सकता है, और बहुत सारा अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का एलर्जी रहता है ना, ठीक है, ये कहानी रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया? मास्टर सेल नॉर्मल मनुष्य में क्या रहता है, नॉन सेंसिटाइज, लेकिन मान लो किसी चीज के कारण एलर्जी होता है तो मास्टर सेल क्या हो जाता है, सेंसिटाइज हो जाता है, और उसमें आकर कौन जुड़ता है, आईजीई, आईजीई का प्रोडक्शन होने लग जाता है। आईजीई के प्रोडक्शन के कारण यहाँ पास क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन और सीरेटोनिन, कौन रिलीज करेगा, मास्टर सेल, क्लियर है। इसके कारण क्या क्या सूजन आ सकता है, नाक बहने लग जाएगा, श्वासा और रोद आएगा, पूरा शरीर में लाल लाल दाने हो जाएंगे, शरीर में दाने उत्पन्न हो जाएंगे, शरीर में दाने उत्पन्न हो सकते हैं, ये सभी क्या है, एलर्जी का स्वरूप है। एलर्जी का जो सबसे भयानक स्वरूप है, जिसके कारण मौत भी हो सकता है, भयानक स्वरूप, जिसके कारण क्या हो सकता है, मौत भी हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। क्या बोलते हैं, एनाफाइलेटिक, क्वेश्चन आया हुआ है, एनाफाइलेटिक शॉक, क्या बोलते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक, समझ आया कि नहीं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है क्या, आपका एलर्जी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कैंसर के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग एक और रोग कवर करेंगे, एड्स, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।